हम करेंगे बातचीत, वो है हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है शो में। अब सीधे रुख करेंगे हमारे आज के खास मेहमान अविनाश गोरक्षकर का। अविनाश जी, साल का रैप अप सत्र बाजार के लिए कैसा लगा आपको, और नए साल के लिए बाजार के संकेत क्या कहते हैं ये आपसे समझेंगे। साथ ही हफ्ते भर की खरीदारी, क्योंकि साल का पहला हफ्ता भी होगा, तो पोजिशनल ट्रेड कहां पर सजेस्ट करेंगे? स्वाति, मुझे लग रहा है कि एक साल ये बहुत ही बेहतरीन बंद हो गया है। 14,000 का इंडेक्स मार्केट ने क्लोज किया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की लिक्विडिटी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ला रहे हैं, प्लस जो सेंट्रल बैंक्स अनाउंस कर रहे हैं, इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट्स पे पॉजिटिवली प्ले आउट होगा। हमको लग रहा है इक्विटी तब तक चलेगी तब तक इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है। और अगर हफ्ते भर की बात करें तो हमको फार्मा स्पेस में सन फार्मा पसंद है। सन फार्मा हमको लग रहा है कि ये रेट से खरीदना चाहिए, करीबन 618-620 का एक हफ्ते भर का टारगेट लग रहा है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस 578 का रखिए। हमको लग रहा है कि नॉट ओनली नतीजे बट फार्मा सेक्टर में ये काफी अच्छी आउट परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में रखेगा। तो 8 to 10 days के लिए ये कॉल मेरी तरफ से सन फार्मा विद टारगेट प्राइस ऑफ 620, स्टॉप लॉस ऑफ 578। हफ्ते भर की खरीदारी सन फार्मा करने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश जी दे रहे हैं। अविनाश जी, बहुत क्विकली, ऑटो स्पेस में आपका कोई पसंदीदा शेयर? मुझे लग रहा है कि ऑटो स्पेस में हमको लग रहा है कि टाटा मोटर्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है। कमर्शियल व्हीकल की जो रिकवरी है वो बहुत ही तेज है, और हमको लग रहा है कि जो नेगेटिविटी पहले थी, हमको लग रहा है कि शायद टाटा मोटर्स एक बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा कमर्शियल व्हीकल स्पेस में। तो आने वाले जो दो क्वार्टर्स रहेंगे प्लस जो FY22 का आउटलुक रहेगा वो हमको लग रहा है काफी अच्छा होगा, और यहाँ पे कम से कम 225-230 का नियर टर्म का टारगेट दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई भी गिरावट अगर आती है तो इसको खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से आने वाले 6 से 8 महीने में अच्छी खासी अपसाइड मिल सकती है, तो टाटा मोटर्स में खरीदारी कर सकते हैं। ऑटो स्पेस से पसंदीदा शेयर हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश जी का। अविनाश जी, टाटा स्टील में क्या करें? मुझे लग रहा है कि टाटा स्टील एक अच्छा विकल्प है। इनफैक्ट मेटल स्पेस में ये काफी वेल पोजिशन है, और हमको लग रहा है कि आने वाला तीसरी तिमाही प्लस जो FY22 का आउटलुक होगा वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी। इनके लिए सबसे बड़ी बात है कि ये इंटीग्रेटेड प्लेयर है, स्टील के कीमतें बढ़ी है, और मुझे लग रहा है कि ये जो मेटल साइकिल है वो काफी हद तक 3 से 6 महीना और भी चलेगी। तो डेफिनेटली करंट लेवल्स पे या कोई भी गिरावट पे खरीदे, मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। और अविनाश जी, इन्वेस्टमेंट पिक आप कौन से आज बताने वाले हैं किसी को लंबी अवधि की खरीदारी करनी हो तो? स्वाति, इन्वेस्टमेंट पिक जो आज बताने वाले हैं वो बेसिकली एक कमोडिटी प्लेयर है, लेकिन जिसके फाइनेंशियल्स बहुत ही बढ़िया है। कंपनी का नाम है आंध्रा शुगर्स। ये कंपनी एक्चुअली एक इंडस्ट्रियल और स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, और ये नाम शायद इसका मिसलीडिंग है क्योंकि शुगर करीबन 20% रेवेन्यू को कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और जो इंडस्ट्रियल और स्पेशलिटी केमिकल्स है वहाँ पे करीबन 80% रेवेन्यू आता है। ये कंपनी ने बहुत ही बढ़िया नंबर्स पिछले साल डिक्लेयर किए थे, करीबन 1400 करोड़ पे 200 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था। डिविडेंड भी शेयरहोल्डर्स के लिए बहुत ही बढ़िया है, 200% का डिविडेंड इस कंपनी दी है। करंट प्राइस पे करीबन 6% का डिविडेंड यील्ड आता है। ये कंपनी की खासियत है कि वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते हैं, और खराब से खराब टाइम में भी ये कंपनी ने कभी लॉस रिकॉर्ड नहीं किया है। हमको लग रहा है कि कॉस्टिक सोडा जो इनका मेन प्रोडक्ट है वहाँ पे कीमतें 10-12% बढ़ी है, जनवरी से और बढ़ने वाली है, तो इसका इम्पैक्ट इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे काफी अच्छा आएगा। करंट ईयर में हमको लग रहा है कम से कम 50 रुपए का EPS आएगा, और वैल्यूएशन मुश्किल से 5 या 6 के PE पे चल रहे हैं। तो एंटरप्राइज वैल्यू को अगर हम देखें तो बिल्कुल 500 करोड़ में ये पूरी कंपनी इन्वेस्टर्स को मिल रही है। तो यहाँ पे हमको लग रहा है 12 से 15 महीने की है, 250 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, तो इसको डेफिनेटली खरीदना चाहिए। काफी वेल मैनेज कंपनी और डीप डिस्काउंट वाली है। जी, आंध्र शुगर में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। अविनाश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, शो में आप शामिल हुए। आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।